सच कहूं मुझे RRR मूवी के टीजर के बाद इसी मोहतरमा का इंतजार था कि ये हमारे सामने हाथ जोड़े आए और सबको कहे शर्म करो, पता नहीं किस बात की शर्म करो। और कमाल की बात ये है कि जैसे मूवी का टीजर रिलीज होता है ये अपनी वीडियो रिलीज कर देते हैं उसके कुछ ही मिनटों के बाद। मतलब इतना जल्दी देख भी लिया और मतलब उसके ऊपर वीडियो बना ली, कमाल की यार, बहुत ज्यादा तेज मैडम है। अब देखो यार ये बात सुनकर जो इस मैडम के जो चमचे हैं और जो मंदबुद्धि बालक है उनकी सुलग गई होगी, वो बैठे होंगे बस इस वीडियो के कॉमेंट में नीचे गालियां लिखने में। अब इन जैसे अकेले प्राणियों के लिए तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं यार, लगे रहो यार तुम्हें जो करना है। हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैडम जी की वीडियो के ऊपर जब व्यूज नहीं आते तो मैडम जी यूज करती हैं अलग अलग टाइप के भिन्न भिन्न प्रकार के थंबनेल, और बहुत ही डिफरेंट यार, मतलब कहूं कि ऐसे ऐसे थंबनेल आते हैं कि जिसको देख रहा आंखें फटी की फटी रह जाती है, और एनी थंबनेल्स का सारा लेके मैडम जी जो है व्यूज बटोरती है। देखो मैडम जी की वीडियो एक बार जो क्या ट्रेंडिंग में चली गई, ट्रेंडिंग में इसलिए चली गई थी क्योंकि मैडम जी ने एक मिर्जापुर का जो सीजन 2 आया था उसका ट्रेलर उसके ऊपर रिव्यू कर दिया था, तो मैडम जी की खुद की जो वीडियो थी वो भी जो है वो ट्रेंडिंग में चली गई थी, और उस थंबनेल में लिखा हुआ था थोड़ी शर्म करो। मतलब फिर से इन्होंने उस थंबनेल में सबको शर्म महसूस करवाई, और वो ट्रेंडिंग में जाने के बाद मैडम जी को ये एहसास हुआ यार सब लोगों को मैंने अच्छी खासी शर्म महसूस करवा दी है, क्यों ना इस पैंतरे को यूज किया जाए। और फिर से मैडम जी ने एक और नई मूवी के ट्रेलर के बाद फिर से यही सेम थंबनेल, बस उसके मूवी का नाम चेंज था, वो मूवी की फोटो जो थी वो चेंज थी, वहां पर था लक्ष्मी बम, और फिर से ये हमारे सामने आती है हाथ जोड़ते हुए कहती है थोड़ी शर्म करो। मतलब तुम क्या चाहते हो यार, किस बात से शर्म करवाना चाहते हो। और इस पैंतरे को फिर से इन्होंने यूज किया अपनी एक नई वीडियो के अंदर जिसमें ये फिर से सबको शर्म महसूस करवाती हुई है, जिसमें RRR मूवी के टीजर के ऊपर ये रिव्यू करती हुई आती है, कहती फिर से शर्म करो। अरे शर्म करो भाई साहब, जिनको शर्म करनी है वो कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और देखो यार मैडम जी का काम बस इतना ही नहीं है कि सबको शर्म महसूस करवाते फिर ना मैडम जी के, अगर आप मैडम जी के चैनल पे आप जाकर देखो तो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर पता नहीं कितने टाइप के मिर्जापुर मिल जाएंगे। इवन अगर आप लोगों ने मिर्जापुर की सीरीज देखिए, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो इसका सीजन 2 भी आ चुका है, तो अभी अगर आप लोगों ने दूसरा मिर्जापुर एक नया मिर्जापुर देखना है तो मैडम जी की वीडियो देख लेना, वहां पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के मिर्जापुर मिल जाएंगे, इवन मिर्जापुर का बाप भी मिल जाएगा। क्या आपने सोचा था कि मिर्जापुर का बाप भी होता है? अरे वो छोड़ो यार, असुर का बाप, बॉलीवुड का बाप, बाहुबली का बाप, पता नहीं कितने सारे बाप बना रखे हैं, आप जाकर वीडियोस देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा। बट यार एक चीज है यार, इनकी माँ जो है वो यहां नहीं है। वैसे एक बात तो है कि मैडम जी के थंबनेल से यह जरूर पता चलता है कि मैडम जी का जो यूट्यूब चैनल है वो पुरुष प्रधान है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी महिला को स्थान नहीं दिया गया। तो मैडम जी ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो ऐसे यार वो बिना सीरीज देख के रिव्यू कर देते हैं। मतलब वो इर्तुगुल गाजी, यार अर्तुगुल गाजी अभी भी उसका नाम नहीं बोला जा रहा मुझसे। अब देखो यार जिनको ये लगता है कि मुझसे नाम नहीं बोला जा रहा, यार तुम जाके अपना ना बुद्धि का इलाज करवा लो, तुम लोगों को सच में जरूरत है आइक्यूलेस प्राणियों। अब थोड़ा बहुत उन हेटर्स के बारे में, थोड़ा बहुत तो यार बहुत ज्यादा हेटर्स आने वाले मुझे पता है, क्योंकि वो चमचे और मंद बुद्धियों के तो मेरे पास इलाज तो है नहीं, वो आएंगे उनके पास दिमाग नहीं हो तो नीचे गालियां और डिसलाइक करने बैठे होंगे, तो वो यही कहेंगे यार तू भी तो सब्सक्राइबर और व्यूज कमाने के लिए एक बड़ी यूट्यूबर के खिलाफ वीडियो बना रहा है। यार देखो ऐसी बात नहीं है, मैं एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूं। टिटू अगर ऐसा कोई कमेंट आना तो डिलीट कर दियो यार। अरे नहीं यार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमेंट जो डिलीट करवा देता हूँ? जाकर मेरी एक और वीडियो है जो इन्हीं मैडम जी के ऊपर थी, वो अगर आप देखोगे तो उसमें जो गालियाँ हैं वो भर भर के मिली हुई है, मैंने एक सिंगल कमेंट भी वहाँ डिलीट नहीं किया। इवन डिसलाइक का रेशो भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, लाइक मुझे कम मिले हुए, डिसलाइक ज़्यादा मिले, तब भी मैंने उस चीज़ को नहीं छुपाया, क्योंकि भाई साहब मुझ में क्रिटिसिज्म झेलने की हिम्मत है, मैडम जी की थोड़ी थोड़ी ना कि क्रिटिसिज्म हुआ नहीं कि बस भागने को तैयार, कमेंट डिलीट करने को तैयार। मतलब हुआ था यार ऐसा, तुम्हें नहीं पता क्या? अब देखो यार तुम्हें जो सोचना है वो सोचो यार, तुम्हारी खुद की आज़ादी है। बट एक बात कहूँगा कि किसी का चमचा और अंधभक्त बनकर मत सोचना यार, तुम्हारा दिमाग खुद यूज करो यार। वैसे देखो यार किसी को अगर बाप चाहिए तो मैडम जी के चैनल पे चले जाना, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के आपको बाप मिल जाएंगे। बट हाँ यार, वहाँ चाचा ताऊ फूफा ये नहीं मिलेंगे यार, अभी वो बने नहीं है ना, तो मैडम जी शायद उनके ऊपर काम कर रही है, आने वाले टाइम में आप लोगों को वो देखने को मिल जाएंगे। यानी ऐसे समझ लो कि मिर्जापुर का बाप या मिर्जापुर का ताऊ, मिर्जापुर का फूफा शायद कुछ टाइम में आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगे, अभी तो फिलहाल है नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैडम जी जो है वो पूरे थंबनेल का एक परिवार क्रिएट कर देंगे अपने चैनल के ऊपर। तो बस आज के लिए बहुत हो गया यार, जब मैडम जी के चैनल के ऊपर गया तो वहां पर मैंने डिफरेंट टाइप के मैंने जो ये थंबनेल देखे यार, कसम से मेरा तो यार दिमाग का भुरता बन गया यार। क्या मतलब लोगों को कैसे बनाकर बताकर क्या बनाया जा रहा है, मतलब सही तरीका है यार ऐसे अजीबोगरीब थंबनेल बनाकर लोगों का काटा जाना। अब देखो यार तुम समझ रहे हो ना काटा जाने का मतलब क्या होता है? खैर छोड़ो यार छोड़ो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो जाकर पोगो देखो यार। बस आज के लिए बहुत हो गया यार इस वीडियो में, और ज्यादा मैं थंबनेल के बारे में बात कर भी नहीं सकता यार, तुम पागल हो गए ना यार, अच्छी अच्छी एडिटिंग सीखते हैं अच्छी, मतलब हमारा छोड़ो छोड़ो गुस्सा आ रहा है फिर मैं कंट्रोल। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।